चलिए आगे हम पहला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलिएगा बीच वाला सोनू। दल बदल विरोधी का दल बदल विरोधी कानून संविधान के कौन से संशोधन से संबंधित है? 52। आप बताइएगा सूर्यशेखर गांगुली किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? ब्रिज। बोलिए आगे जी। आप इसे रिटर्निंग है। विश्व में टाइटेनियम की अग्रणी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? रूस। सोनू जी बोलिएगा सूर्य का तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। आप बोलिएगा शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? नए सिरे से तैयार किया बजट को। हाँ, हर बार नए सिरे से तैयार किया बजट को क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट। आप ही से क्वेश्चन है, काला आलू में विशेष गुण क्या पाया जाता है? कैल्शियम। आवाज को बोलने बोलेगा सोनू जी। आप बताइएगा सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? एमपी। आप बोलिएगा भारतीय बीज अधिनियम कब से लागू हुआ? बोलिए जी। हाँ आप ही पे। क्या ठीक क्वेश्चन है सर? भारतीय बीज अधिनियम कब से लागू हुआ? सोनू जी 2 अक्टूबर 1969 से। आप कुछ बोले पास बोले थे ना। रिटर्निंग ऑफिस है, लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष लोकसभा सदस्य। चलिए सोनू जी बोलिएगा आसवन बांध किस नदी पर है? नील नदी। नील नदी पे। आप बोलिएगा आर्यन भारत में भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना चलाया? महाराष्ट्र। आप ही से है रिटर्निंग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद बताओ। हाँ अनुच्छेद। अनुच्छेद 3। आगे 85। अनुच्छेद 85 और आप ले लिए नेगेटिव। बताइएगा आप ही तो चिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? चिल्ली पॉइंट आपसे। हाँ चिल्ली पॉइंट क्रिकेट। इसे बताइएगा झूमिंग खेती प्रायः कहाँ अपनाई जाती है? जंगली क्षेत्र में। जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्रों में। आप ही से रिटर्निंग है। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा जगह है? कौशाम्बी। कौशाम्बी ये आनंद विहार के स्टेशन के बगल में है। कौशाम्बी। कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन भी है जी। ये आपका यूपी में पड़ जाता है, दिल्ली और यूपी के बीच बॉर्डर पे है।
आप बोलेगा सोनू जी, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना चलाई? महाराष्ट्र। आप बोलिएगा, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। पंडित जवाहरलाल जी बोले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप ही से क्वेश्चन है, किसी नदी में मछलियों का ना होना किस बात का निर्भर करता है, किस बात का सूचक है? निजीकरण। निजीकरण, निम्नीकरण, निम्नीकरण। ध्यान दीजिएगा, मुझे छोड़ देता हूँ। निम्नीकरण, निम्नीकरण। अब बोलेगा सोनू जी, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? मई 1916। आप बोलिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। आप ही से है, इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। बताइएगा जाप जी, रिटर्निंग है। आप बोले सोनू जी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद सेन, सेन। आपसे है, गैम्बिट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? हमसे। हाँ, शतरंज। लॉक करें? लॉक करें जी। हाँ, 100% सर। चलिए आप बताइएगा, शौच घरों और मूत्रालयों से प्राप्त वाहित मल को क्या कहते हैं? स्वच्छता अधिनियम। स्वच्छता अधिनियम नहीं, स्वच्छता। पीछे क्या कहते हैं? बीच वाले स्वच्छता अवशिष्ट। स्वच्छता अवशिष्ट कहते हैं। खाइए लड्डू। आपसे ही होगा रिटर्निंग, हुक का नियम विज्ञान के किस शाखा से संबंधित है? भौतिक विज्ञान। उसको मोड़िए, मैथ लिख जाएगा। एक मिनट तो हमें तो घुमा देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन किसका था जी? आपसे होगा ना? से हो गया। हो गया, अब आपसे है। बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्याति अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद का कितना समय सीमा दिया गया है? 6 महीना। आप बोलिएगा, अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? अधिकतम जलवायु किस विविधता में पाई जाती है? मंडल नहीं बताना है, विषुवतीय में। आपसे रिटर्निंग है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? भाग तीन। भाग तीन में, किस में? भाग तीन में। आप बोलिएगा जी बीच वाले, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को क्या कहते हैं? पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को क्या कहते हैं? मैग्मा। उसको कहते हैं मैग्मा। आप बोलिएगा, कॉपी अच्छा में रखेंगे तो फट जाएगा पूरे। स्पर्श रोम शरीर किसके शरीर में पाया जाता है? आप ही बोलिएगा,
दिन के समय औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमानित शोर का स्तर कितना होता है? 75 डेसिबल। आप बोलिएगा, G8 संगठन में सम्मानित किया गया 8वां राष्ट्र कौन सा है? रूस। आप बोलिएगा, पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, यह कथन किस नियम पर है? कहा गया पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, यह नियम किसका है? फ्लेंज का नियम नहीं, वो मार्केट संबंधी है, तो वो तो अच्छी हो जाएगा ना। पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, यह किसका नियम है? आगे वाला बोलिएगा। बाजार का नियम। अब कहिए कि इनके पास क्यों आ गया? क्योंकि फर्स्ट था। अब रिटर्निंग क्वेश्चन होगा, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया? संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1950। बोलिए जी। 49 हुआ था। अब बोलिएगा सोनू, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम। काजीरंगा असम। आप बोलिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? पीछे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, निजी स्वामित्व। गुड। रिटर्निंग है आपसे जी, लोनी और क्षारीय मृदा भारत में एक और किस नाम से जानते हैं? लोनी और क्षारीय मृदा भारत में एक और किस नाम से जानते हैं? लोनी और क्षारीय मृदा को भारत में किस नाम से जानते हैं? बोलिएगा जी। कलर। किस नाम जानते हैं? कल्लर। बताए थे ना कि दो भाई लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, तो क्या होगा घर में? कल्ला होगा। आप बताइएगा, जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसंक्रमण। आप बताइएगा, पत्थरों और चट्टानों पर लगे पौधे को क्या कहते हैं? जलोद्भिद। वो तो पानी वाला हो गया जी, जल नहीं पूछ रहे हैं। पत्थरों और चट्टानों पर लगे वो जलोद्भिद हो गया, तो पत्थर को क्या कहते हैं? सैलोद्भिद। ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया? सैलोद्भिद। जो सैल मतलब क्या हो गया? पत्थर। जो पत्थर पर उगने वाला, उसे क्या कहते हैं? सैलोद्भिद। और जल में होगा उसको जलोद्भिद। आप ही बताइएगा, दिन के समय औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमानित शोर का स्तर कितना होता है? 75 डेसिबल। आप बोलिएगा बीच में, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रहा? 2007 से 2012। आप बोलिएगा जी, गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 सभा में विशिष्ट है? भाग 4। टांसिल बड़ी देर देखा दी करने दे। अगला क्वेश्चन आपसे ही है जी, बोलिएगा,
पर्यावरण विकास हेतु राष्ट्रीय संरक्षा नीति की स्थापना कब हुई? पर्यावरण विकास हेतु राष्ट्रीय संरक्षण नीति की स्थापना कब हुई? बोलिएगा जी। 1992। लॉक कर दें। हाँ कर देते। 1992 सही है। तो आप ही बोलिएगा, नींबू में डायबैक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तामा। तामा की कमी से डायबैक रोग होता है। आप बताएगा पीछे से, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? हाँ, लाइकोपीन के कारण। बोलिए जी। बोलेंगे। हाँ तो कौन बोलेंगे? मेरा फिगर बार है जी। हाँ बस बोलिए, नाम लिख के बोलिएगा जी। आप बोलिएगा जी, बोलिए। क्रोमोप्लास्ट। हाँ क्रोमोप्लास्ट। बताइए किन से क्वेश्चन था जी? पीछे पीछे से ना, डायरेक्ट हिट था कि रिटर्निंग था? डायरेक्ट डायरेक्ट रिटर्निंग अब होगा। बताइएगा, तंबाकू का मोजैका रोग किसका कारण होता है? तंबाकू में जो एक रोग होता है मोजैका रोग, किसके कारण होता है? पास। बोलिएगा जी, बीच वाले। विषाणु। विषाणु के कारण होता है। आप ही बोलिएगा, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब से प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब से प्रारंभ हुआ? 1972। आगे आप बोलिए जी। अगर नहीं को बताएगा तो बता दे, तो हो जाएगा। अब कहाँ से? 1952। बाबर दीजिएगा मौका, ऐसी रहेगा। हम नंबर लेंगे लेकिन माइनस को खाली हटा दीजिएगा। बोलिए। 1942। तो मीटर तो देवे किए जी। कहाँ मीटर है? अल्लाह का कटा तो मीटर नहीं जी। अरे ऐसे तो आप में थोड़ी दिए थे, उधर भी दे दिए थे। अपने आप आ गया। चलिए, ये कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है आर्यन बताइएगा? तो साल में दो बार लगता है। साल में दो बार लगता है। सोनू बोलिएगा। कृत्रिम गर्भाधान ये हुआ ना सर, गाय को जैसे पाल देते हैं। हाँ तो वही वही कृत्रिम गर्भाधान हुआ। किनका था जी? आप ही से था ना, आगे रुक जा रहा था ना। आप बताइएगा, आई राइट क्या है? विकलांगों का एक कंप्यूटर है। आप ही से है, रिटर्निंग होगा। रक्त का लगभग कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? 72%। आगे 60% होता है। क्या कहते हैं 60% वाला? बोलिए, लॉक करें। दीजिए सर नंबर। आप बोलिएगा, फूल खिलाने वाले हार्मोन कौन सा है? फूल खिलाने वाले हार्मोन्स कौन सा है? मेरा। हाँ आपसे है। फ्लोरल। इनका लूप लाइन बनते हुए नजर आ रहा है, लगता है बोर्ड पार हो जाएगा। आप बताइएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त 7.4। गुड। आप ही से है, बोल दीजिएगा, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों होता है?
क्रोमोप्लास्ट के कारण, ये क्वेश्चन आप ही से था और आप ही पे रिटर्न हुआ। अब बोलिएगा जी, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। आप बोलिएगा जी, पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? पत्ती, पेड़ वाला पत्ती, ना कि वो पत्ती हस्बैंड वाला पत्ती ना। हाँ बोलिए, पीछे पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन बनाना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके क्या करना, भोजन बनाना। आपसे है जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में। ये बताए थे कि ये क्या है प्रोजेक्ट बैंक सखी। बैंक सखी क्या है? मुझे ये बैंक ऑफ जो महाराष्ट्र है वो उड़ीसा के राज्य में हर घर घर जाके होम जाके वो क्या करता है, खाता खुलवाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट का नाम रखा बैंक सखी, मतलब सखी से ही होता है ना एक दूसरे के आस पास में मिलना। वही आप बताइएगा, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? 1853 ईस्वी। आपसे क्वेश्चन था जी। इसके बाद ना? नहीं, उनका था। उनका था। बोलिए, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? अंतरिक्ष आयोग। बोलिए आर्यन। बता दिए ना। कौन बोल दिए, क्या बोले हैं? 1853। 1853 बोले हैं। कौन बोले? आप बोलिएगा। अच्छा मैंने सब बोला। अच्छा आपसे क्वेश्चन था। अब बोलिए, आप बोलिए। ऐसी सरप्राइज देने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? जून 1972 ईस्वी में। जून 1972 ईस्वी में। इसके बाद थोड़ा सा रोक देते हैं। अब देखिए करंट से क्वेश्चन है, बताइएगा। आपसे नहीं जी, आपसे ही होगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष कौन बने? भूषण पटवर्धन। करंट अफेयर है, ध्यान से देखिएगा। पीछे बताइएगा, कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय वन सिटी पुरस्कार दिया गया? 49 शिक्षक को। आप ही से है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए प्रशिक्षक नियुक्त किसे किया गया? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए प्रशिक्षक किसे नियुक्त किया गया? बीच में बोलिएगा जी। मिथिलेश तिवारी। गलत। आगे बोलिएगा जी। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। संजय कुमार। आपसे क्वेश्चन है, किस राज्य को होलंगी ने अपना ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मिला? किस राज्य को होलंगी में अपना ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मिला? हाँ, राज का नाम बताना है।
पीछे वाला बोलिएगा किस राज्य को होलंगी में अपना ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मिला? बीच वाले अरुणाचल प्रदेश। पक्का? चलिए रिटर्निंग होगा। कोविड 19 के खिलाफ डीएनए लगवाने वाला प्रथम देश कौन सा बना? भारत। बीच से बोलिएगा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? एक मार्च। पीछे से बोलिएगा किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? बोलिए किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? लास्ट को राउंड है जी। कौन हुआ था? हाँ ठीक बोल रहे हैं, सही जा रहे हैं। वो कहरवा है गांव वाला। जब रहा भी बोले दो गांव वाला कहरवा है कौन? जेकर बिंदा के बड़का बेटवा जी मनोज आहूजा इतना पर सुनते हैं। बीच वाले बोलिएगा किस राज्य ने 82,000 किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? किस राज्य में? राजस्थान में। लास्ट क्वेश्चन आर्यन आपसे लास्ट इज फर्स्ट बता दीजिए किस कंपनी के संस्थापक अश्नीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दिया? इंडिगो। भारत पे चलिए आज का क्यूज समाप्त हुआ। देखिएगा आज के जो क्यूज हुआ जीके और जीएस में 3 स्टूडेंट ने भाग लिए। स्टूडेंट तो हमारे पास और भी हैं लेकिन अभी वो गेहूं कटाई चल रहा है, घरों में एक शादियां ब्याह हो रहा है, इसमें सब लोग बिजी हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए। तो आज सिर्फ 3 ही लोग आए थे और उन लोगों के बीच में क्यूज रखा गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन जीके और जीएस के करेंट अफेयर्स पूछे गए हैं, जिसमें एक स्टूडेंट है सोनू कुमार, ये 58 नंबर ला के प्रथम स्थान आए हैं। दूसरा है आर्यन राज, ये 24 नंबर ला के सेकेंड स्थान आए हैं। तीसरा है जितेंद्र कुमार, ये 23 नंबर ला के तीसरे स्थान पे हैं। तो इन छात्रों द्वारा काफ़ी कोशिश और मेहनत किया गया जिसके बदौलत ये नंबर लाए हैं। लेकिन मैं सेकेंड और थर्ड वाले से कहना चाहता हूँ कि जो ये नंबर है आप फर्स्ट वाले के करीब रहना चाहिए, आप लोग बहुत कम नंबर लाए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अगला जो संडे को क्यूज होगा उसमें आप लोग है जी की फर्स्ट आने की गुजारिश करेंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट उस दिन जमा होकर जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके शामिल हो क्यूज में और अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो साथियों आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कोचिंग सनराइज कोचिंग सेंटर के द्वारा हर सप्ताह संडे को क्यूज प्रतियोगिता रखा जाता है, जिसमें लिखाए गए क्वेश्चन और करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले को पुरस्कार का वितरण किया जाता है। लेकिन आज स्टूडेंट बहुत कम आए जिसके वजह से सिर्फ 3 ही आए, तो 3 में ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। बाकी लोग स्टूडेंट और आएंगे तो कांटे की मुकाबला होगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।